यहाँ पर जहाँ मोदी की सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को इज्जत देने की बात कही जाती है, वहाँ यहाँ के पीआई के कहने पर ये पुलिस वाले जो लड़कियों को छेड़ते हैं उससे 3,000 रुपए घूस लिए, उसको छोड़ दिए और जो इन लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं उसको थाना में अंदर लॉकअप में बंद कर दिए। और जब हम लोगों ने मना किया कि लॉकअप में नहीं जाने देंगे, ये सारे पुलिस वाले मिलकर सबके साथ हाथापाई किए, आप लोग देख सकते हैं ये हाथापाई करके लड़के पुलिस वाले, एक भी फीमेल पुलिस वाली नहीं, ये लड़के पुलिस वालों ने किया है, मारपीट किया सारे लोगों के साथ। ये है मोदी सरकार, यहाँ बीजेपी की सरकार ये काम कर रही है, सब लड़कियों के साथ हाथापाई किया है, थप्पड़ पे थप्पड़, ये बाल नोच नोच के सारी लड़कियों के साथ हाथापाई किया है, सारे रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, सारे के सारे वीडियो, कोई महिला पुलिस नहीं थी वहाँ पर। क्या मैटर थी इसलिए आप नर्मदा पुलिस? यहाँ पर लड़कियों को एक लड़का छेड़ता था, उसके खिलाफ क्या कंप्लेन किया गया, उस लड़के को इन लोगों ने यहाँ से ही सामने भेज दिया, उससे पैसा लिया और उसको भेज दिया, उसके साथ कुछ नहीं करने दिया, ठीक है। और जो लड़का इन लोग को सपोर्ट करता था, कंप्लेन करके दूसरे पक्ष को बुलाकर कंप्लेन करके कंप्लेन को बात किया जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन लोगों ने उससे पैसा लिया और ये लिख दिया कि इसने धमकी दिया, डायरेक्ट FIR लिखकर और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट डालकर उसको अंदर बंद कर दिया, ना कंप्लेन लिया ना बात की ना सुनवाई की। और यहाँ का जो PI है उसका राइट हैंड है वो आप देख सकते हैं, सारे लोग हाथ में डंडे लेके पुलिस लड़कियों को दौड़ा रहे हैं, ये लोग यहाँ की जो पब्लिक सपोर्ट कर रही है लड़कियों को, पहली बात कोई आ नहीं रही, और अगर कोई आ रही है तो ये पब्लिक उन लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, सारे पुलिस वाले ये काम कर रहे हैं, किससे लड़कियां जाके कंप्लेंट करेगी जब पुलिस वाले कपड़े फाड़ फाड़ के चिल्ला कर मार रहे हैं, तो आप खुद देखो ये लड़कियों को क्या करके रखे, सारी लड़कियों को नोच फाड़ के रखे हैं। अंदर से क्या शांति होगी।